हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, स्वागत है। आज बात कर रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर के बारे में। क्या दोस्तों, शेयर का आपको खरीदना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए? बेसिकली जितना भी क्वेश्चन है सब चीज़ का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक वॉच करो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दोस्तों आपको दिख रहा है, इसे दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, इसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। और वीडियो को एंड देखने का काफ़ी तो कोशिश करो, काफ़ी कुछ बड़े सरप्राइज आपके लिए। दोस्तों अगर आज बात कर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर की, जो प्राइस है 3 रुपये और 55 पैसे, लगभग 10 पैसे का लोअर साइड गया है मार्केट में, 2.74% का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन दोस्तों आपको क्या कुछ करनी चाहिए जैसे आप लोग मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे? तो फिलहाल एक घंटे का दोस्तों अगर चार्ट में यहाँ पर नज़र डालोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। साफ साफ देखोगे मार्केट में दोस्तों अभी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत अभी ग्रीन कैंडल शुरुआत हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कल भी मार्केट लोअर साइड जाने वाला है, ये दोस्तों मैं आपको 101% लिख के देता हूँ, क्योंकि दोस्तों लोगों का माइंडसेट अभी काफ़ी ज़्यादा यही टारगेट हो रहे हैं कि एक महीने के लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करें, एक महीने या फिर 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करें इसी कुछ दिनों के अंदर। लगभग मार्केट अगर 1 रुपया भी चला जाता अपर सर्किट या फिर 50 पैसे भी, लोग अपना प्रॉफिट निकालने के लिए सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर देते हैं। इसी दोस्तों आपको फिलहाल अभी मार्केट में होल्ड करना है। कल मार्केट लोअर साइड लगने वाला है क्योंकि पूरे जनवरी दोस्तों अभी लोअर साइड लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आज अगर सपोर्ट की बात करें, लगभग 3 रुपये और 20 पैसे का मार्केट में सपोर्ट है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। और दोस्तों फरवरी में जो हम लोग का टारगेट है 4 रुपये का, इसे दोस्तों हम लोग हासिल करना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग को होल्ड करने की जरूरत है, सेल आउट मत करना। और यहाँ देखो पिछले 1 हफ्ते में लगभग 5% का नुकसान हुआ है, और लॉन्ग टर्म में देखोगे लगभग 3 महीने के लिए देखोगे तो 18% का प्रॉफिट है। सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए देखना आपके लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के देखोगे तो नुकसान ही नुकसान है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम के, तो ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, लगभग 59 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम आज काफ़ी कम है। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने सेल करना प्रेफर कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर आप बायर सेलर्स के यहाँ अपडेट देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ सेलर्स है 32,38,729, मतलब ऑलरेडी 100% लोगों ने मार्केट में अभी सेल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे और सेल करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप होल्ड करके रखना, लॉन्ग टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म